हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हमने वीडियो में वर्गमूल गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो प्रश्न है आज हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आज हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। प्रश्न है हमारा 7744 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे 7744 पर, और इधर साइड में हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे हम इसमें, तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 7 में 2 3 6, यहाँ से 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, ये 14 बन जाएगा, 2 7 14 और 2 2 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 1 बचा, ये हो गया 18, 2 9 18, 7 में बढ़ा पढ़ेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 19 में 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, ये 16 बन जाए, 2 6 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 4 8, यहाँ से 1 बचेगा, 16 बन जाए, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 2 4 और 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए, ये 2 से नहीं कटेगी, ये 11 का वर्ग होता है, तो 11 से ही कटेगा, 121 11 बार और 11 1 11। ये जो भी हमारे गुणनखंड हुए हैं इनको इधर लिखेंगे अंदर रूट में, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, और 11 दो बार आया था। तो 2 2 के हम समूह बोलते हैं, या जोड़ा या इस प्रकार से बना लेंगे, और एक समूह या जोड़े में से एक संख्या बाहर लेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, और गुना यहाँ से क्या आ जाएगा, 11, इन सभी की गुना कर लेंगे, 2 2 4 2 8 8 11 की 8 से गुना करेंगे, तो 88 आ जाएगा प्लस माइनस। इस प्रकार हमारा 7744 का वर्गमूल आ गया है 88। आगे प्रश्न है हमारा 625/1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने जो सवाल किया था वो सिंपल संख्या का था, ये भिन्न रूप संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे 625/1296, अंश के गुणनखंड अलग करेंगे और हर के गुणनखंड अलग करेंगे। तो अंश है हमारा 625, यहाँ गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 625, ये 2 3 4 5 से नहीं, ये 5 से कटेगा, तो 5 से भाग करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 5 1 5, यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ये 12 बन जाएगा, 5 2 10, यहाँ से 2 बचेगा, तो 5 मिलाएंगे तो 25 बन जाएगा, 5 5 25, फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 2 10, यहाँ से 2 बचा, 5 ही मिलकर 25 बन जाए, 5 5 25, और 5 से भाग करेंगे, फिर 5 5 25 और 5 1 5, तो अंश के गुणनखंड अंश में लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हम करेंगे हर, हर क्या हमारा 1296, इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये संख्या 2 से कट रहेगी, 2 से भाग करते रहेंगे इसमें, 2 से भाग करेंगे, पहले 12 में 2 6 12 पूरा कट गया, अब 9वां पाड़ा पढ़ेंगे, 2 4 8, यहाँ से 1 बचा, 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 1 बचे, 12 बन जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से 2 8 16 और 2 1 2, अब ये 3 से कटेगा, 3 से भाग कर लें, 3 2 6, 2 बजा और 3 7 21, अब 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 1 9 और 3 1 3, जो हर वाली संख्या के गुणनखंड हुए वो हर में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे इसका। तो ऊपर देखेंगे हमारे 2 2 के जोड़े बना लेंगे संख्या के, यहाँ भी हर में भी, अब ऊपर 2 जोड़े बने 5 5 के, तो एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे, गुना इस जोड़े से 5 आ जाएगा, बटे नीचे पहले वाले जोड़े से 2 लेंगे, फिर दूसरे जोड़े से 2 लेंगे,
फिर आगे हमारा तीन के दो दो जोड़े बने हैं, तो 3 × 3। अब हमारा इन रूट का चिन्ह हट जाएगा, 5 5 ही गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे इन सभी भी गुना कर लेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया ±25/36। आगे प्रश्न हमारा नंबर 3 है कि 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस प्रकार से संख्या दी हो तो हम उसका कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साधारण संख्या के रूप में लिख लेंगे। ये 4 सही 29/49 है तो 49 की पहले 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे हम। 49 की 4 से गुना करते हैं, 4 × 9 = 36 और 4 × 16 = 3 = 19, और जो अंश था हमारा उसको प्लस कर लेंगे। उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं हमेशा, 9 और 6 = 15 हो जाएगा, 9 × 2 = 11, 1 = 12, कहाँ से लोहा 1 1 = 2। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, 225 बन गया। तो इसे हम लिखेंगे 225 बटे का, बटे में ही रहता है, तो हो गया 225/49 और इसको वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब वही कार्य करना है हमें, अंश के टुकड़े अलग करिए और हर के टुकड़े अलग करिए। अंश में हमारी संख्या 225, इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये संख्या देखिए 3 से कट जाएगी, तो 3 से भाग करेंगे पहले इसमें हम, 3 × 7 = 21, 1 बचा, 5 × 15 बन जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 3 = 6, 1 बचा और 3 × 5 = 15, 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। 49 के क्या हो जाएंगे, 49 7 का वर्ग होता है, तो 7 × 7 = 49। तो अंश के टुकड़े अंश में लिख देंगे, 3 × 3 × 5 × 5 बटे 7 × 7 वर्गमूल का चिन्ह। अब ऊपर 2 2 के समूह बना लेंगे और नीचे एक समूह बना है, तो ऊपर के पहले समूह में से एक संख्या लेंगे गुना, फिर दूसरे समूह में से दूसरी संख्या लेंगे 5 बटे, नीचे एक समूह बना वहाँ से एक ही संख्या आएगी 7, गुना करेंगे 3 × 5 = 15 बटे 7 प्लस माइनस, ये भी सही है और यही हमारा आंसर होगा।